मामलों के राज्य मंत्री माननीय श्री तोखन साहू तथा केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी का भी हम स्वागत करते हैं और स्वागत यहाँ उपस्थित सफाई मित्रों, ग्राम पंचायत के सदस्य, यूथ ऑर्गेनाइजेशंस, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री पार्टनर्स, विभिन्न राज्यों तथा केंद्र सरकार के प्रतिनिधि और ऑनलाइन हमारे साथ जुड़े सभी देशवासियों का भी हम अत्यंत हर्षित भाव से स्वागत करते हैं। देवी और सज्जनों, स्वच्छ भारत मिशन के 10 वर्ष एक नए जन चेतना का प्रतिबिंब प्रस्तुत करते हैं और अब संपूर्ण स्वच्छता के साथ स्वभाव स्वच्छता, संस्कार स्वच्छता बना है हर देशवासी का संकल्प। स्वच्छ भारत अभियान की 10 वर्ष की यात्रा में सफाई, शौचालय निर्माण से आरंभ हुआ अभियान, कचरा निस्तारण, वेस्ट टू वेल्थ, से नो टू प्लास्टिक जैसी पहल से होता हुआ आज रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल जैसे कॉन्सेप्ट पर आगे बढ़ रहा है। इसी कॉन्सेप्ट पर तैयार दो उपहार आज माननीय प्रधानमंत्री जी को भेंट कर उनका अभिनंदन करने के लिए मैं जय हिंद। ऐतिहासिक है स्वच्छ भारत अभियान के तहत बदलाव के ये 10 वर्ष और अब मैं केंद्रीय आवास एवं शहरी मामलों तथा ऊर्जा मंत्री माननीय श्री मनोहर लाल खट्टर जी को संबोधन प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी आर पाटिल जी, हमारे राज्य मंत्री श्री तोखन साहू जी, श्री राजभूषण चौधरी जी, विभाग मंत्रालयों के श्री हमारे शक्ति श्री के श्रीनिवासन जी, शक्ति श्रीमती विनी महाजन जी, शक्ति श्री श्रीमती देवाश्री मुखर्जी जी, उपस्थित सभी आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी हमारे विभागों से जुड़े हुए बंधुओं, सफाई मित्रों, आज 2 अक्टूबर का दिन है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और देश के दूसरे प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी का आज जन्म दिवस है। इस अवसर पर मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। हम जानते हैं कि राष्ट्रपति महात्मा गांधी जी ने कहा था कि स्वच्छता आजादी से ज्यादा जरूरी है और उन्होंने स्वच्छता और साफ सफाई को अपनी गांधीवादी जीवन शैली का अभिन्न अंग बनाया। उसके लिए स्वच्छता एक बहुत ही महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा था। स्वच्छ भारत का सपना उन्होंने देखा। इसके लिए हम चाहते हैं कि भारत के सभी नागरिक एक साथ मिलकर देश को स्वच्छ बनाने के लिए कार्य करें। इस बात की प्रसन्नता है कि 15 अगस्त 2014 को दिल्ली में लाल किले की प्राचीर से आदरणीय प्रधानमंत्री जी आपने स्वच्छ भारत मिशन की घोषणा की थी और आज ही के दिन आपने देश की स्वच्छता के लिए सबसे बड़ी मुहिम स्वच्छ भारत मिशन इसकी शुरुआत की थी। आज हम देखते हैं कि आपके मार्गदर्शन में बहुत से काम हुए। शौचालय बनाए गए, जिसका उल्लेख हमारे मंत्री जी ने अभी किया। व्यक्तिगत स्वच्छता और सार्वजनिक स्थलों की स्वच्छता, इससे अभियान शुरू हुआ था और तब शिशु दर घटाने, इस अभियान के से शिशु दर घटाने, बीमारियों और महिलाओं के शिशु मृत्यु दर घटाने, बीमारियों और महिलाओं के खिलाफ अपराधों में कमी लाने, बालिकाओं को शिक्षा दिलाने में आजीविका के अवसर प्रदान करने वाले एक वैश्विक हस्तक्षेप के रूप में और ये अभियान पहचाना जाता है। स्वच्छ भारत के मिशन के पिछले 10 वर्षों में किए गए सभी कार्य, शहरों में सस्टेनेबल विकास के लिए अपनाए जा रहे एकीकृत दृष्टिकोण का महत्वपूर्ण हिस्सा है। स्वास्थ्य, पर्यावरण, अर्थव्यवस्था और सामाजिक विकास के लिए शौचालयों की उपलब्धता, कचरे का प्रभावी निपटान, सीवरेज प्रणालियों के आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने, वाटर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, हर व्यक्ति को घर, बिजली और पानी की आपूर्ति करना, ये हमारी प्राथमिकता ये बनी है। पिछले दशक में शहरी क्षेत्रों में घर घर का जो कचरा प्रबंधन संग्रहण 97% तक बढ़ गया है, जो पहले लगभग ये शून्य था। स्वच्छता की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम है। प्रसंस्करण की
भी 18% से बढ़कर 79% ये हो गया है। देश भर में लगभग 2400 ऐसी डंप साइट थी जिनको चिन्हित किया गया और उसको 40% पर इस कचरे का पूरा निपटान ये करवा दिया गया है। भारत सरकार विभिन्न केंद्रीय योजनाओं के माध्यम से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए लगभग 4.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजट ये इस बार मंजूर किया गया है। मुझे विश्वास है कि सभी राज्य केंद्र शासित प्रदेश इसका पूरा लाभ उठाएंगे। यह वर्ष स्वच्छ भारत अभियान के लिए एक मील का पत्थर है, क्योंकि स्वच्छ भारत मिशन अपनी 10वीं वर्षगांठ मना रहा है और स्वच्छता ही सेवा अभियान ने अपना ऐतिहासिक 7वां वर्ष पूरा किया है। स्वच्छता ही सेवा 2024 का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता के आयोजन ने पूरे भारत में स्वच्छता के प्रयासों में पूरे समाज और देश के हर नागरिक और हर वर्ग की भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। गांधी जी ने कहा था, जो परिवर्तन आप दुनिया में देखना चाहते हैं वह सबसे पहले अपने आप पर लागू करें। मुझे खुशी है कि स्वच्छता ही सेवा 2024 के देश में शीर्ष नेतृत्व हमारे केंद्रीय मंत्रियों, राज्य के मुख्यमंत्री गण, राज्यपाल, MLAs, MPs, मेयर्स, काउंसलर्स सभी ने स्वयं आगे आकर के इस अभियान का नेतृत्व किया और सब इवेंट्स में हिस्सा लिया। मात्र 15 दिन के इस अभियान में जो अभी तक आंकड़े प्राप्त हुए हैं, लगभग 22 करोड़ से अधिक लोगों ने बढ़ चढ़ करके इसमें भागीदारी की। अब तक लगभग 27,81,000 कार्यक्रम आयोजित किए जा चुके हैं। इस बार स्वच्छता लक्षित इकाइयां अर्थात CTUs इसकी पहचान कर उन्हें साफ करने पर बल देना अभियान की विशेषता रही है। 8,30,000 से अधिक स्वच्छता लक्षित इकाइयां यानी CTUs इनकी पहचान की गई, जिसमें से कल सायंकाल तक आंकड़ा है कि 7,98,000 CTUs को साफ और स्वच्छ बनाकर उन्हें सुंदर रूप ये दिया गया है। सभी केंद्रीय मंत्रालय, उद्योग भागीदार, नागरिक और अन्य हितधारक इन स्थलों को साफ करने और बदलने के लिए आगे आए हैं। हमारे सफाई मित्रों के लिए 1.5 लाख शिविरों का ये आयोजन किया गया है। वहां भी 41 लाख से ज्यादा सफाई मित्रों को लाभ पहुंचाया गया है। पखवाड़े के दौरान स्वच्छता में जन भागीदारी कार्यक्रम में अब तक देश भर में एक पेड़ माँ के नाम इस अभियान के अंतर्गत भी 65 लाख से अधिक पौधारोपण किए गए हैं। 18,500 वेस्ट आर्ट इंस्टॉलेशन, करीब 16,000 स्वच्छ फूड स्ट्रीट कार्यक्रम, 78,000 से ज्यादा स्वच्छ भारत सांस्कृतिक उत्सव, शपथ मैराथन आदि आयोजन किए गए। MyGov पोर्टल के माध्यम से देश भर के लोग स्वच्छता पर आधारित कंपटीशन में बढ़ चढ़ हिस्सा ले रहे हैं। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि मेरा युवा भारत के तहत लगभग 1.5 करोड़ युवा विकसित भारत के विजन से जुड़ने के लिए आगे आए हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी, आपने 15 अगस्त 2024 को देश के अपने संबोधन में एक बार फिर जन जन में इस अभियान को और आगे ले जाने की ऊर्जा भरी। जन भागीदारी की आपने चर्चा की और स्वच्छता की चर्चा हो, स्वच्छता के संदर्भ में एक दूसरे को रोकने टोकने का निरंतर प्रयास चलता रहे। मैं समझता हूं कि यह भारत के अंदर आई हुई नई चेतना का प्रतिबिंब है। इसलिए इस बार स्वच्छता ही सेवा 2024 का थीम स्वभाव स्वच्छता संस्कार स्वच्छता इस पर जोर दिया गया है। माने प्रधानमंत्री जी, आप ही के मार्गदर्शन से शुरू हुए स्वच्छ भारत दिवस के आयोजन पर मैं आपको धन्यवाद करता हूं कि आपके नेतृत्व में प्रत्येक भारतवासी भारत वर्ष को स्वच्छ, स्वस्थ और विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हार्दिक धन्यवाद माननीय मंत्री जी। देवी और सज्जनों, स्वच्छता को शहरों से लेकर ग्रामीण स्तर तक आकार देने के लिए सरकार द्वारा समय समय पर कई तरह के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए गए हैं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों द्वारा स्वच्छता से जुड़े कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया जाएगा, जिनमें शामिल हैं शहरी बुनियादी ढांचे को बढ़ाकर और शहरों में जीवन की गुणवत्ता में सुधार करते हुए सतत शहरी विकास को बढ़ावा देने वाले अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन यानी अमृत तथा अमृत 2.0 के तहत 6,825 करोड़ की 109 परियोजनाएं,
राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन के अंतर्गत नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत 1555 करोड़ की 10 परियोजनाएं तथा गांवों में पशुपालन और खेतीबाड़ी से निकले जैविक अपशिष्ट से बायोगैस और जैविक खाद बनाकर ग्रामीण भारत की समृद्धि की राह तैयार कर रही 1332 करोड़ की लागत वाली 15 गोबरधन परियोजनाएं। अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर इन परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास करें। मिशन भारत सरकार का पहला वाटर फोकस्ड मिशन 2015 में 500 शहरों से शुरू हुआ, जिससे 1,89,00,000 घरों को नल से स्वच्छ जल मिला और 1,47,00,000 से अधिक सीवरेज कनेक्शन किए गए। इससे शहरी जल कवरेज 48% से बढ़कर 70% हो गया। अमृत 2.0 के तहत देश में लगभग 2 करोड़ नए टैप कनेक्शन और 8,000 MLD कैपेसिटी के साथ लगभग 1.5 करोड़ नए सीवरेज कनेक्शन दिए जा रहे हैं। जलाशयों का जीर्णोद्धार करने के साथ साथ ये मिशन इस्तेमाल किए हुए जल को पुनः उपयोग में लाने की ओर भी अग्रसर है। आज 2 अक्टूबर के दिन माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 6,825 करोड़ रुपए की लागत से बनी 109 परियोजनाओं का शिलान्यास एवं राष्ट्र को समर्पण किया गया है। इससे करीब 12.5 लाख से अधिक घरों को लाभ मिलेगा। गंगा की अविरलता और निर्मलता को बनाए रखना एक निरंतर प्रयास है। इस दिशा में प्रयासरत नमामि गंगे परियोजना के अंतर्गत कुल 5 इंटरसेप्शन, डायवर्जन और सुएज ट्रीटमेंट प्लांट की परियोजनाओं का निर्माण पूरा हो चुका है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं का लोकार्पण किया है। साथ ही गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता को सुनिश्चित करने के लिए कुल 5 परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गई है। आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने इन 5 परियोजनाओं की आधारशिला रखी। इन सभी परियोजनाओं के संचालन से गंगा और उसकी सहायक नदियों की निर्मलता बढ़ेगी और स्थानीय निवासी इससे लाभान्वित होंगे। गांधी जी के स्वच्छता से समाज के विकास के स्वप्न को साकार करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार अब कंप्रेस्ड बायोगैस के माध्यम से स्वच्छ ऊर्जा की ओर बढ़ रही है। इस पहल से प्रदूषण तो कम हो ही रहा है, साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी बढ़ रहे हैं। भारत सरकार ने कंप्रेस्ड बायोगैस उद्योग के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिससे देश में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिल रहा है। और आज माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 6 TPD क्षमता वाले 6 संयंत्रों को राष्ट्र को समर्पित किया गया है। साथ ही 58.6 TPD की कुल क्षमता वाले 9 CBG संयंत्रों की आधारशिला रखी गई है। इन परियोजनाओं के उद्घाटन व शिलान्यास के लिए आपका हार्दिक आभार माननीय प्रधानमंत्री जी। मान्यवर, माननीय प्रधानमंत्री जी के स्वच्छता के आह्वान में संकल्प की जो मशाल प्रज्वलित है, उसने समस्त देशवासियों को एकजुट कर दिया है। आज के सुअवसर पर स्वच्छ भारत के प्रणेता, स्वच्छ भारत के प्रवर्तक माननीय प्रधानमंत्री जी से मैं अत्यंत आदर भाव से विनती करती हूं कि कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करें, हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी श्रीमान मनोहर लाल जी, CR पाटिल जी, तोखन साहू जी, राजभूषण जी, अन्य सभी महानुभाव देवी और सज्जनों, आज पूज्य बापू और लाल बहादुर शास्त्री जी की जन्म जयंती है। मैं मां भारती के सपूतों को
श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं। जिस भारत का सपना गांधी जी और देश की महान विभूतियों ने देखा था, वो सपना हम सब मिलकर के पूरा करें। आज का दिन हमें ये प्रेरणा देता है। साथियों, आज 2 अक्टूबर के दिन मैं कर्तव्य बोध से भी भरा हुआ हूं और उतना ही भावुक भी हूं। आज स्वच्छ भारत मिशन को, उसकी यात्रा को 10 साल के मुकाम पर हम पहुंच चुके हैं। स्वच्छ भारत मिशन की ये यात्रा करोड़ों भारतवासियों की अटूट प्रतिबद्धता का प्रतीक है। बीते 10 साल में कोटि कोटि भारतीयों ने इस मिशन को अपनाया है, अपना मिशन बनाया है, इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाया है। मेरे आज के 10 साल की इस यात्रा के पड़ाव पर मैं हर देशवासी, हमारे सफाई मित्र, हमारे धर्मगुरु, हमारे खिलाड़ी, हमारे सेलिब्रिटीज, एनजीओस, मीडिया के साथी, सभी की सराहना करता हूं, भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आप सभी ने मिलकर स्वच्छ भारत मिशन को इतना बड़ा जन आंदोलन बना दिया। मैं राष्ट्रपति जी, उपराष्ट्रपति जी, पूर्व राष्ट्रपति जी, पूर्व उपराष्ट्रपति जी, उन्होंने भी स्वच्छता की ही सेवा इस कार्यक्रम में श्रमदान किया, देश को बहुत बड़ी प्रेरणा दी। मैं आज राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति महोदय का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। आज देश भर में स्वच्छता से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। लोग अपने गांवों को, शहरों को, मोहल्लों को, चाल हो, फ्लैट्स हो, सोसाइटी हो, स्वयं बड़े आग्रह से साफ सफाई कर रहे हैं। अनेक राज्यों के मुख्यमंत्री, मंत्रीगण और दूसरे जनप्रतिनिधि भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बने, इस कार्यक्रम का नेतृत्व किया। बीते पखवाड़े में, मैं इसी पखवाड़े की बात करता हूं, देश भर में करोड़ों लोगों ने स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रमों में हिस्सा लिया है। मुझे जानकारी दी गई कि सेवा पखवाड़ा के 15 दिनों में देश भर में 27 लाख से ज्यादा कार्यक्रम हुए, जिनमें 28 करोड़ से ज्यादा लोगों ने हिस्सा लिया। निरंतर प्रयास करके ही हम अपने भारत को स्वच्छ बना सकते हैं। मैं सभी का, प्रत्येक भारतीय का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। साथियों,
आज के इस महत्वपूर्ण पड़ाव पर आज स्वच्छता से जुड़े करीब 10,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स की भी शुरुआत हुई है। मिशन अमृत के तहत देश के अनेक शहरों में वॉटर और सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाए जाएंगे। नमामि गंगे से जुड़ा काम हो या फिर कचरे से बायोगैस पैदा करने वाले गोवर्धन प्लांट, ये काम स्वच्छ भारत मिशन को एक नई ऊंचाई पर ले जाएगा। और स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना ही हमारा देश ज्यादा चमकेगा। साथियों, आज से 1,000 साल बाद भी जब 21वीं सदी की भारत का अध्ययन होगा तो उसमें स्वच्छ भारत अभियान को जरूर याद किया जाएगा। स्वच्छ भारत इस सदी में दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे सफल जन भागीदारी वाला, जन नेतृत्व वाला जन आंदोलन है। इस मिशन ने मुझे जनता जनार्दन की, ईश्वर रूपी जनता जनार्दन की साक्षात ऊर्जा के भी दर्शन कराए हैं। मेरे लिए स्वच्छताए जन शक्ति के साक्षात्कार का पर्व बन गया है। आज मुझे कितना कुछ याद आ रहा है, जे अभियान शुरू हुआ, कैसे लाखों लाख लोग एक साथ सफाई करने के लिए निकल पड़ते थे। शादी ब्याह से लेकर सार्वजनिक कार्यक्रमों तक हर जगह स्वच्छता का ही संदेश छा गया। कहीं कोई बूढ़ी मां अपनी बकरियां बेचकर शौचालय बनाने की मुहिम से जुड़ी, किसी ने अपना मंगलसूत्र बेच दिया तो किसी ने शौचालय बनाने के लिए जमीन दान कर दी, कहीं किसी रिटायर्ड टीचर ने अपनी पेंशन दान दे दी, तो कहीं किसी फौजी ने रिटायरमेंट के बाद मिले पैसे स्वच्छता के लिए समर्पित कर दिए। अगर ये दान किसी मंदिर में दिया होता, किसी और समारोह में दिया होता तो शायद अखबारों के हेडलाइन बन जाता और सप्ताह भर उसकी चर्चा होती। लेकिन देश को पता होना चाहिए कि जिनका चेहरा कभी टीवी पे चमका नहीं है, जिनका नाम अखबारों की सुर्खियों पर कभी छपा नहीं है, ऐसे लक्षावधि लोगों ने कुछ न कुछ दान करके, चाहे वो समय का दान हो या संपत्ति का दान हो, इस आंदोलन को एक नई ताकत दी है, ऊर्जा दी है। और ये मेरे देश के उस चरित्र का परिचय करवाता है। जब मैंने सिंगल यूज प्लास्टिक को छोड़ने की बात की तो करोड़ों लोगों ने जूट के बैग
और कपड़े के थैले निकाल करके बाजार में खरीदी करने के लिए जाने की परंपरा शुरू की। और मैं उन लोगों का भी आभारी हूं, वरना मैं प्लास्टिक, सिंगल यूज प्लास्टिक बंद करने की बात करता तो हो सकता था प्लास्टिक इंडस्ट्री वाले आंदोलन करते, भूख हड़ताल पे बैठते, नहीं बैठे, उन्होंने सहयोग किया, आर्थिक नुकसान होगा। और मैं उन राजनीतिक दलों का भी आभार व्यक्त करता हूं जो भी शायद निकल पड़ते कि देखिए मोदी ने सिंगल यूज प्लास्टिक भर के हजारों लोगों का रोजगार खत्म कर दिया, पता नहीं क्या क्या कर देते। मैं उनको भी आभार मानता हूं कि उनका इस बात पर ध्यान नहीं गया। हो सकता है इसके बाद चला जाए। साथियों, इस आंदोलन में हमारा फिल्म जगत भी पीछे नहीं रहा। कमर्शियल हित के बजाय फिल्म जगत ने स्वच्छता के संदेश को जनता तक पहुंचाने के लिए फिल्में बनाई इन 10 सालों में। और मुझे तो लगता है कि ये विषय को एक बार करने का नहीं है, ये पीढ़ी दर पीढ़ी हर पल हर दिन करने का काम है। और ये जब मैं कहता हूं तो मैं इसको जीता हूं। अब जैसे मन की बात की याद कर ले, अपन आप में से बहुत लोग मन की बात से परिचित हैं, देशवासी परिचित हैं। मन की बात में मैंने करीब करीब 800 बार स्वच्छता के विषय का जिक्र किया है। लोग लाखों की संख्या में चिट्ठियां भेजते हैं, लोग स्वच्छता के प्रयासों को सामने लाते रहे। साथियों, आज जब मैं देश और देशवासियों की इस उपलब्धियों को देख रहा हूं तो मन में यह सवाल भी आ रहा है कि जो आज हो रहा है वो पहले क्यों नहीं हुआ। स्वच्छता का रास्ता तो महात्मा गांधी जी ने हमने आजादी के आंदोलन में ही दिखाया था, दिखाया भी था, सिखाया भी था। फिर ऐसा क्या हुआ कि आजादी के बाद स्वच्छता पर बिल्कुल ध्यान ही नहीं दिया गया। जिन लोगों ने सालों साल गांधी जी के नाम पर सत्ता के रास्ते ढूंढे, गांधी जी के नाम पर वोट बटोरे, उन्होंने गांधी जी के प्रिय विषय को भुला दिया। उन्होंने गंदगी को, शौचालय के अभाव को देश की समस्या माना ही नहीं। ऐसा लग रहा है जैसे उन्होंने गंदगी को ही जिंदगी मान लिया। नतीजा यह हुआ कि मजबूरी में लोग गंदगी में ही रहने लगे, गंदगी रूटीन लाइफ का हिस्सा बन गई, समाज जीवन में इसकी चर्चा तक होनी बंद हो गई। इसलिए जब मैंने लाल किले की प्राचीर से इस विषय को उठाया तो देश में जैसे तूफान खड़ा हो गया। कुछ लोगों ने तो मुझे ताना दिया कि शौचालय और साफ सफाई की बात करना भारत के प्रधानमंत्री का काम नहीं है। ये लोग आज भी मेरा मजाक उड़ाते हैं। लेकिन साथियों, भारत के प्रधानमंत्री का पहला काम वही है जिससे मेरे देशवासियों का, सामान्य जन का जीवन आसान हो। मैं भी अपना दायित्व तो समझकर मैंने टॉयलेट्स की बात की, सैनिटरी पैड्स की बात की,
और आज हम इसका नतीजा देख रहे हैं। साथियों, 10 साल पहले तक भारत की 60% से ज्यादा आबादी खुले में शौच के लिए मजबूर थी। ये मानव गरिमा के विरुद्ध था। इतना ही नहीं, ये देश के गरीब का अपमान था, दलितों का, आदिवासियों का, पिछड़ों का, इनका अपमान था। जो पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर चला आ रहा था, शौचालय न होने से सबसे ज्यादा परेशानी हमारी बहनों को, बेटियों को होती थी। दर्द और पीड़ा सहन करने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था। अगर शौचालय जाना है तो अंधेरे का इंतजार करती थी, दिन भर परेशानी झेलती थी और रात में बाहर जाती थी। तो उनकी सुरक्षा से जुड़े गंभीर खतरे होते थे। या तो सुबह सूर्योदय के पहले जाना पड़ता था, ठंड हो, वर्षा हो, मेरे देश की करोड़ों माताएं हर दिन इस मुसीबत से गुजरती थी। खुले में सोच के कारण जो गंदगी होती थी उसने हमारे बच्चों के जीवन को भी संकट में डाल रखा था। बाल मृत्यु का एक बड़ा कारण ये गंदगी भी थी। गंदगी की वजह से गांव में, शहर के अलग अलग बस्तियों में बीमारियां फैलना आम बात थी। साथियों, कोई भी देश ऐसी परिस्थिति में कैसे आगे बढ़ सकता है? और इसलिए हमने तय किया कि ये जो जैसा चल रहा है वैसा नहीं चलेगा। हमें इसे एक राष्ट्रीय और मानवीय चुनौती समझकर इसके समाधान का अभियान चलाया। यहीं से स्वच्छ भारत मिशन का बीज पड़ा। ये कार्यक्रम, ये मिशन, ये आंदोलन, ये अभियान, ये जन जागरण का प्रयास पीड़ा की कोख से पैदा हुआ है और जो मिशन पीड़ा की कोख से पैदा होता है वो कभी मरता नहीं है। और देखते ही देखते करोड़ों भारतीयों ने कमाल करके दिखाया। देश में 12 करोड़ से अधिक टॉयलेट्स बनाए गए। टॉयलेट कवरेज का दायरा जो 40% से भी कम था वो 100% पहुंच गया। साथियों,
स्वच्छ भारत मिशन से देश के आम जन के जीवन पर जो प्रभाव पड़ा है वो अनमोल है। हाल में एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय जर्नल की स्टडी आई है, इस स्टडी को इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट वॉशिंगटन यूएसए, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया और ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने मिलकर के स्टडी किया है। इसमें सामने आया है कि स्वच्छ भारत मिशन से हर वर्ष 60 से 70 हजार बच्चों का जीवन बच रहा है। अगर कोई ब्लड डोनेशन करके एक की किसी एक की जिंदगी बचा देना तो भी वो बहुत बड़ी घटना होती है। हम सफाई करके, कूड़ा कचरा हटा करके, गंदगी मिटाकर 60-70 हजार बच्चों की जिंदगी बचा पाए, इससे बड़ा परमात्मा का आशीर्वाद क्या होगा। WHO के मुताबिक 2014 और 2019 के बीच 3 लाख जीवन बचे हैं जो डायरिया के कारण हम खो देते थे। मानव सेवा का ये धर्म बन गया साथियों। यूनिसेफ की रिपोर्ट है कि घर में टॉयलेट बनने के कारण अब 90% से ज्यादा महिलाएं खुद को सुरक्षित महसूस कर रही है। महिलाओं को इन्फेक्शन से होने वाली बीमारियों में भी स्वच्छ भारत मिशन की वजह से बहुत कमी आई है। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, लाखों स्कूलों में लड़कियों के लिए अलग टॉयलेट्स बनने से ड्रॉप आउट रेट कम हुआ है। यूनिसेफ की एक और स्टडी है, इसके मुताबिक साफ सफाई के कारण गांव के परिवार के हर साल औसतन 50,000 रुपये बच रहे हैं। पहले आए दिन होने वाली बीमारियों के कारण ये पैसे इलाज पर खर्च होते थे या तो काम धंधा न करने के कारण आय खत्म हो जाती थी, बीमारी में जा नहीं पाते थे। साथियों, स्वच्छता पर बल देने से बच्चों का जीवन कैसे बचता है, मैं इसका एक और उदाहरण देता हूं। कुछ साल पहले तक मीडिया में लगातार ये ब्रेकिंग न्यूज चलती थी कि गोरखपुर में दिमागी बुखार से, उस पूरे इलाके में दिमागी बुखार से सैकड़ों बच्चों की मौत, ये खबरें हुआ करती थी। लेकिन अब गंदगी जाने से, स्वच्छता आने से ये खबरें भी चली गई। गंद के साथ क्या क्या जाता है ये देखिए। इसकी एक बहुत की बड़ी वजह स्वच्छ भारत मिशन से आई जन जागृति, ये साफ सफाई है। साथियों, स्वच्छता की प्रतिष्ठा बढ़ने से देश में एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन भी हुआ है। आज मैं इसकी चर्चा भी आवश्यक समझता हूं। पहले साफ सफाई के काम से जुड़े लोगों को किस नजर से देखा जाता था, हम सब जानते हैं। एक बहुत बड़ा वर्ग था जो गंदगी करना अपना अधिकार मानता था
और कोई आकर के स्वच्छता करे ये उसकी जिम्मेवारी मान करके अपने आप को बड़े अहंकार में जीते थे, उनके सम्मान को भी चोट पहुंचाते थे। लेकिन जब हम सब स्वच्छता करने लग गए तो उसको भी लगने लगा कि मैं जो करता हूं वो भी बड़ा काम करता हूं और ये भी अब मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन। और स्वच्छ भारत मिशन ने ये बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक परिवर्तन कर करके सामान्य परिवार साफ सफाई करने वाले को मान सम्मान मिला, उनको गर्व को महसूस कराया और वो आज अपने आप को सम्मान के साथ हमें देख रहा है। गर्व इस बात का कि वो भी अब मानने लगा है कि वो सिर्फ पेट भरने के लिए करता है इतना ही नहीं है, वो इस राष्ट्र को चमकाने के लिए भी ये कड़ी मेहनत कर रहा है। यानी स्वच्छ भारत अभियान ने लाखों सफाई मित्रों को गौरव दिलाया है। हमारी सरकार सफाई मित्रों की जीवन की सुरक्षा और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन देने के लिए प्रतिबद्ध है। हमारा ये भी प्रयास है कि सेप्टिक टैंक्स में मैनुअल एंट्री से जो संकट आते हैं उनको दूर किया जाए। इसके लिए सरकार प्राइवेट सेक्टर और जनता के साथ मिलकर काम कर रही है। कई नए नए स्टार्टअप आ रहे हैं, नई नई टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं। साथियों, स्वच्छ भारत अभियान सिर्फ साफ सफाई का ही प्रोग्राम है इतना भर नहीं है, इसका दायरा व्यापक रूप से बढ़ रहा है। अब स्वच्छता संपन्नता का नया रास्ता बन रहा है। स्वच्छ भारत अभियान से देश में बड़े पैमाने पर रोजगार भी बन रहे हैं। बीते सालों में करोड़ों टॉयलेट बनने से अनेक सेक्टर्स को फायदा हुआ, वहां लोगों को नौकरियां मिली। गांवों में राजमिस्त्री, प्लंबर, लेबर ऐसे अनेक साथियों को नए अवसर मिले। यूनिसेफ का अनुमान है कि करीब करीब 1.25 करोड़ लोगों को इस मिशन की वजह से कुछ न कुछ आर्थिक लाभ हुआ, कुछ न कुछ काम मिला है। विशेष रूप से महिला राजमिस्त्रियों की एक नई पीढ़ी इस अभियान की देन है। पहले महिला राजमिस्त्री कभी नाम नहीं सुना था, इन दिनों महिला राजमिस्त्री आपको काम करती नजर आ रही है। अब क्लीन टैग से और बेहतर नौकरियां, बेहतर अवसर हमारे नौजवानों को मिलने लगे हैं। आज क्लीन टैग से जुड़े करीब 5000 स्टार्टअप्स रजिस्टर्ड हैं। वेस्ट टू वेल्थ में हो, वेस्ट के कलेक्शन और ट्रांसपोर्टेशन में हो, पानी के रियूज और रिसाइकलिंग में हो, ऐसे अनेक अवसर वाटर एंड सैनिटेशन के सेक्टर में बन रहे हैं। एक अनुमान है कि इस दशक के अंत तक इस सेक्टर में 65 लाख नई जॉब्स बनेगी और इसमें निश्चित तौर पर स्वच्छ भारत मिशन की बहुत बड़ी भूमिका होगी। साथियों, स्वच्छ भारत मिशन ने सर्कुलर इकोनॉमी को भी नई गति दी है। घर से निकले कचरे आज कंपोस्ट, बायोगैस, बिजली और रोड पर बिछाने के लिए चारकोल जैसा सामान बना रहे हैं। आज गोबरधन योजना गांव और शहरों में बड़ा परिवर्तन ला रही है। इस योजना के तहत गांवों में सैकड़ों बायोगैस प्लांट लगाए जा रहे हैं। जो पशुपालन करते हैं किसान, कभी कभी उनके लिए जो पशु वृद्ध हो जाता है उसको संभालना एक बहुत बड़ी आर्थिक बोझ बन जाता है।
अब गोबरधन योजना के कारण वो पशु जो दूध भी नहीं देता है या खेत में काम भी नहीं कर सकता है, वो भी कमाई का साधन बन सके, ऐसी संभावनाएं इस गोबरधन योजना में है। इसके अलावा देश में सैकड़ों सीबीजी प्लांट भी लगाए जा चुके हैं। आज ही कई नए प्लांट्स का लोकार्पण हुआ है, नए प्लांट्स का शिलान्यास किया गया है। साथियों, तेजी से बदलते हुए समय में आज हमें स्वच्छता से जुड़ी चुनौतियों को भी समझना जानना जरूरी है। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, शहरीकरण बढ़ेगा, वेस्ट जनरेशन की संभावनाएं भी बढ़ेगी, कूड़ा कचरा ज्यादा निकलेगा, और आजकल जो इकोनॉमी का एक मॉडल है यूज एंड थ्रो, वो भी एक कारण बनने वाला है। नए नए प्रकार के कूड़े कचरे आने वाले, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट आने वाला है। इसलिए हमें फ्यूचर की अपनी स्ट्रेटेजी को और बेहतर करना है। हमें आने वाले समय में कंस्ट्रक्शन में ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप करनी होगी जिससे रिसाइकल के लिए सामान का ज्यादा उपयोग हो सके। हमारी जो कॉलोनियां है, हमारे जो हाउसिंग है, कॉम्प्लेक्सेस है, उनको हमें ऐसे डिजाइन करना होगा कि कम से कम जीरो की तरफ हम कैसे पहुंचे। हम जीरो कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम अंतर बचे जीरो से। हमारा प्रयास होना चाहिए कि पानी का दुरुपयोग ना हो और वेस्ट पानी को ट्रीट करके इस्तेमाल करने के तरीके सहज बनने चाहिए। हमारे सामने नमामि गंगे अभियान का एक मॉडल है। इसके कारण आज गंगा जी कहीं अधिक साफ हुई है। अमृत मिशन और अमृत सरोवर अभियान से भी एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ रहा है। ये सरकार और जनभागीदारी से परिवर्तन लाने के बहुत बड़े मॉडल है। लेकिन मैं मानता हूं सिर्फ इतना ही काफी नहीं है। वाटर कंजर्वेशन, वाटर ट्रीटमेंट और नदियों की साफ सफाई के लिए भी हमें निरंतर नई टेक्नोलॉजी पर निवेश करना है। हम सब जानते हैं कि स्वच्छता का कितना बड़ा संबंध टूरिज्म से है, और इसलिए अपने पर्यटक स्थलों, अपने आस्था के पवित्र स्थानों, हमारी धरोहरों को भी हमें साफ सुथरा रखना है। साथियों, हमने स्वच्छता को लेकर इन 10 वर्षों में बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ पाया है, लेकिन जैसे गंदगी करना ये रोज का काम है, वैसे स्वच्छता करना भी रोज का ही काम होना ही चाहिए। ऐसा कोई मनुष्य नहीं हो सकता है, प्राणी नहीं हो सकता है कि वो कहे कि नहीं मेरे से गंदगी होगी ही नहीं। अगर होनी है तो फिर स्वच्छता भी करनी ही होगी। और एक दिन, एक पल नहीं, एक पीढ़ी नहीं, हर पीढ़ी को करनी होगी, युगों युगों तक करने वाला काम है। आज जब हर देशवासी स्वच्छता को अपना दायित्व समझता है, कर्तव्य समझता है, तो साथियों मेरा इस देशवासियों पर इतना भरोसा है कि परिवर्तन सुनिश्चित है। देश का चमकना यह सुनिश्चित है। स्वच्छता का मिशन एक दिन का नहीं, ये पूरे जीवन का संस्कार है। हमें इसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाना है। स्वच्छता हर नागरिक की सहज प्रवृत्ति होनी चाहिए। यह हमें हर रोज करना चाहिए। गंदगी के प्रति हमारे भीतर एक नफरत पैदा होनी चाहिए। हम गंदगी को टॉलरेट ना करें, देख ना पाए, ये स्वभाव हमने विकसित करना चाहिए। गंदगी के प्रति नफरत ही हमें स्वच्छता के लिए मजबूर कर सकती है।
और मजबूत भी कर सकती है। हमने देखा है कि कैसे घरों में छोटे छोटे बच्चे साफ सफाई को लेकर बड़ों को मोटिवेट करते रहते हैं। मुझे कई लोग कहते हैं कि मेरा पोता मेरा नाती ये टोकता रहता है कि देखो मोदी जी ने क्या कहा है, तुम क्यों कचरा यहां डालते हो, कार में जा रहे हैं बोले बॉटल क्यों बाहर फेंकते हो, बॉटल रुकवा देता है। ये आंदोलन की सफलता उसमें भी बीज बो रही है और इसलिए आज मैं देश के युवाओं को, हमारी अगली पीढ़ी के बच्चों को कहूंगा, आइए हम सब मिलकर के डटे रहें, आइए डटे रहिए, दूसरों को समझाते रहिए, दूसरों को जोड़ते रहिए। हमें देश को स्वच्छ बनाए बिना रुकना नहीं है। 10 साल की सफलता ने बताया है कि अब आसान हो सकता है, हम अचीव कर सकते हैं और गंदगी से भारत मां को हम बचा सकते हैं। साथियों, मैं आज राज्य सरकारों से भी आग्रह करूंगा कि वे भी इस अभियान को अब जिला, ब्लॉक, गांव, मोहल्ले और गलियों के लेवल पर ले जाएं। अलग अलग जिलों में, ब्लॉक्स में स्वच्छ स्कूल की स्पर्धा हो, स्वच्छ अस्पताल की स्पर्धा हो, स्वच्छ ऑफिस की स्पर्धा हो, स्वच्छ मोहल्ले की स्पर्धा हो, स्वच्छ तालाब की स्पर्धा हो, स्वच्छ कुएं के किनारे की स्पर्धा हो, तो एकदम से वातावरण और उसके कंपटीशन है, उसके हर महीने 3 महीने इनाम दिए जाएं, सर्टिफिकेट दिए जाएं। भारत सरकार सिर्फ कंपटीशन करे और 2-4 शहरों को स्वच्छ शहर, 2-4 जिलों को स्वच्छ जिला, इतने से बात बनने वाली नहीं है। हमने हर इलाके में ले जाना है। हमारी म्युनिसिपैलिटीज भी लगातार देखें कि पब्लिक टॉयलेट की अच्छे से अच्छे मेंटेनेंस हो रही है, चलो उनको इनाम दें। अगर किसी शहर में व्यवस्थाएं पुराने ढरे की तरफ वापस लौटी तो उससे बुरा क्या हो सकता है। मैं सभी नगर निकायों से, लोकल बॉडी से आग्रह करूंगा कि वे भी स्वच्छता को प्राथमिकता दें, स्वच्छता को सर्वोपरि माने। आइए हम सब मिलकर शपथ लें। मैं देशवासियों से अनुरोध करता हूं, आइए हम जहां भी रहेंगे, फिर चाहे वो घर हो, मोहल्ला हो या हमारा वर्क प्लेस हो, हम गंदगी न करेंगे, न गंदगी होने देंगे और स्वच्छता ये हम हमारा सहज स्वभाव बना करके रहेंगे। जिस प्रकार हम अपने पूजा स्थल को साफ सुथरा रखते हैं, वही भाव हमें अपने आसपास के वातावरण के लिए जगाना है। विकसित भारत की यात्रा में हमारा हर प्रयास स्वच्छता से संपन्नता के मंत्र को मजबूत करेगा। मैं फिर एक बार देशवासियों से, 10 साल की यह यात्रा ने एक नया विश्वास पैदा किया है, अब हम अधिक सफलता के साथ, अधिक ताकत से परिणाम प्राप्त रह सकते हैं और इसलिए आइए एक नए उमंग, नए विश्वास के साथ पूज्य बापू को सच्ची श्रद्धांजलि का एक काम लेकर के चल पड़े और हम इस देश को चमकाने के लिए गंदगी न करने का शपथ लेते हुए स्वच्छता के लिए जो भी कर सकते हैं पीछे न हटे। मेरी आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका कोटि कोटि आभार माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरक शब्दों के लिए आपका हार्दिक आभार। स्वच्छता मात्र अवधारणा नहीं बल्कि एहसास है। देशवासियों को ये एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आम जन के अंतर्मन की संवेदनाओं को स्वच्छता से जोड़